दोस्तों, मैं विजय कुमार दिवाकर सनसनी ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूँ। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम, क्योंकि हमें सनसनी ऑफ इंडिया। मानो जैसे अब इंसानियत खत्म ही होती जा रही है। दिल्ली, जहां हर रोज बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया जाता है, जहां शायद इस बात को नजरअंदाज किया जाता है कि हमारे समाज में लड़कियों का क्या स्थान है। उनको इज्जत देने के बजाय बेइज्जत किया जाता है, उनसे सिर्फ उनकी हवस की आग को बुझाया जाता है। जहां एक ओर तो हम स्त्री जात को देवी का रूप मानते हैं, और वहीं दूसरी ओर उसी देवी का इस कदर अपमान कर दिया जाता है कि वो एक बार फिर सर उठाकर ना चलने को मजबूर हो जाती है। समाज में लड़कियों के खिलाफ बढ़ते अपराध पर विराम लगने की जगह ये और बढ़ते ही जा रहे हैं, और ये अपराध सिर्फ महिलाओं लड़कियों तक ही सीमित नहीं रह गए। ये दरिंदगी अब धीरे धीरे मासूम बच्चियों के गले बंधने लगे हैं, जो कि वाकई इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली बात है, जिसे जानकर या देखकर आपकी भी आंखें शर्म से झुक जाएंगी। ये दरिंदे अपनी हवस का शिकार मासूम लड़कियों को बनाते हैं। एक बार भी वो ये नहीं सोचते अगर उनकी जगह उनकी बेटी होती तो। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के स्वरूप थाना एरिया में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जो कि वाकई इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला है, जहां घर में माँ बाप के ना होने का फायदा बखूबी उठाया गया और फिर अपनी घिनौनी हरकत को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गया। दरअसल पूरा मामला कुछ यूं है कि नॉर्थ दिल्ली ईस्ट में रह रहा एक छोटा सा परिवार किराए के कमरे में रह रहा था। उस परिवार में तीन छोटे बच्चे भी थे, जिनमें दो लड़के और एक लड़की थी। किराए के कमरे में एक तरफ ये परिवार रहता था, तो वहीं दूसरी तरफ 22 साल का एक और किराएदार राजू नाम का एक लड़का रहता था। परिवार के साथ आर्थिक तंगी थी, परिवार गरीब था,
वो अपना पेट पालने के लिए एक फैक्ट्री में काम करते थे। राजू की नीयत खराब थी, लेकिन इस बात से ये परिवार अनजान था। इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था कि आखिर राजू के मन में क्या चल रहा है। बीती रात बच्चों के माता पिता अपने किसी रिश्तेदार से मिलने निकले, लेकिन सर्दी के कारण वो बच्चों को अपने साथ ना ले जाकर बच्चों को कमरे में ही सुला दिया और फिर वो वहां से चले गए। बच्चों को अकेला घर में देखते ही राजू ने मौके का फायदा उठाया और फिर वो बच्चों के कमरे में जा पहुंचा। तीनों बच्चे एक साथ एक ही कमरे में सोए हुए थे, जिनमें से एक 10 साल और 4 साल के दो भाई और एक 14 साल की बहन थी। राजू ने कमरे में पहुंचकर 4 साल के लड़के को उठाकर दूसरे कमरे में ले जाकर सुला दिया और फिर वो वापस से उस कमरे में गया जहां 14 साल की लड़की अपने दूसरे भाई के साथ सो रही थी। राजू ने दरवाजा बंद किया और लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस बात का खुलासा ना हो, इसलिए उसने उसके साथ सो रहे दूसरे भाई को भी जान से मार डाला और फिर वो वहां से फरार हो गया। थोड़ी देर में जब 4 साल के बच्चे की आंख खुली, उसने कमरे में अपनी बहन और अपने भाई को ऐसी हालत में देखा तो वो घबरा गया और भागकर वो मकान मालकिन के पास पहुंचा और उन्हें बुला लाया। सुबह इस 4 साल के बच्चे ने जब मकान मालकिन को बताया कि मेरी बहन को पता नहीं क्या हो गया, जब मकान मालकिन ने देखा तो 10 साल का लड़का मर चुका था। उस पर चोट के निशान थे और उसके गले में कपड़ा बंधा हुआ था जिसे बांधकर उसकी हत्या कर दी गई थी। वहीं दूसरी ओर लड़की का सिर फटा हुआ था और वो बेहोश थी, खून से लथपथ थी और बच्ची के नीचे के कपड़े में खून ही खून था। ये देखते ही मकान मालिक ने फौरन पुलिस को सूचित किया। आने के लिए आया कि आंटी आंटी कर रहा था, मैं नीचे आई हूँ तो कहता आंटी देखो जरा मेरी दीदी को क्या हो गया। तो हम नीचे आए, साथ वाली बहन जी को मैंने जगाया और हम दोनों नीचे आए तो देखा तो फिर हम उसमें लाइट नहीं थी, हमने लाइट जलाने लगा, फिर लाइट हमने लगाई, बल्ब लगाया उसमें और देखा जब उजाला हुआ तो क्या उसके अंदर वो लड़की खूनो खून पड़ी हुई थी और एक बच्चा लेटा हुआ था और वो लड़की की पजामी सब उसकी ख़राब थी, वाइट उसने पजामी पहनी हुई थी लेकिन उसको कवर कर रखा था और बेडशीट के अंदर लपेटा हुआ था उसको। अच्छा। उसके मुँह के ऊपर भी बेडशीट थी, मुँह उसका बंद कर, लेकिन वो लड़की हाई हाई कर रही थी और लड़के को फांसी लगाई हुई थी, बेडशीट के साथ उसको बांधा हुआ था, गला उसका बांधा हुआ था लेकिन वो बच्चा मर चुका था। मैम देख करके स्थिति क्या लगी, लड़की के संग कुछ गलत हुआ है? हाँ, रेप हुआ लड़की के साथ है? लड़की के साथ रेप हुआ हुआ है। और उसका भाई जो था छोटा, वो छोटा भाई उसको फांसी लगा दी हुई थी, उसके सिर में भी कहते हैं चोटे वोटे लगी हुई थी। तो एक लड़का भी बता रहे घर से किराए पे रहता, वो भी फरार हो गया है कुछ, वो नहीं है। हाँ, सुबह कोई आए, कौन है वो मैम, कौन है, क्या नाम है उसका? राजू, राजू नाम है उस लड़के का। शाम को कितने बजे तक देखा था वो आस पड़ोस के लोगों ने राजू? शाम को वो टीका टूका लगाने के चक्कर में, टीका लगवाने जा रहा हूँ, कल टीके का त्योहार था ना, इस चक्कर में वो आ जा रहा था, उसके हाथ में थैला था, नारियल था और कोई मिठाई का डिब्बा था, इधर को कहीं जा रहा था जहाँ पहले कहते हैं किराए पे रहता था वो। अच्छा, इधर को कहीं रहता था तो उनके साथ ही रहता था। तो इसलिए मेरे को इस लेडी ने बोला था कि मैं ही किराया दूंगी दोनों कमरों का, तो हमने ही ले लिया। अच्छा। लेकिन वो लड़का गया हुआ था कहीं जयपुर वयपुर कहीं गया हुआ था और अब दिवाली वाले दिन आया वो। ठीक है, अभी वो फरार है? हाँ, वो फरार है, वो नहीं है, वो कल तक यही था। ये माँ बाप आज चीख चीख कर पूछ रहे हैं कि आखिर इनका क्या कसूर था जो इनके बच्चों के साथ ये सब हुआ। ये आंसू जो इनके आंखों से झलक रहे हैं, वो अपनी बेटी और अपने बेटे के हत्यारे को ढूंढ रहे हैं। इनकी आवाज में वो दर्द है जो बयान किए नहीं किया जा सकता। दिन के उजाले में
रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया हर रोज रात 10:30 और दोपहर 1:30 सिर्फ जेके चैनल पर। कड़ी नजर खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज पेपर हर रविवार आपके द्वार जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। जिंदगी के सफर में एक जीवन साथी तो चाहिए ना, और जीवन साथी अगर मनपसंद हो तो जिंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा साथी4u.com। जो साथी4u.com पर आए जिंदगी महक जाए। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश खेल कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 और दोपहर 1:30 रिपीट सिर्फ जेके चैनल पर। जो अपने बच्चों को आराम की नींद सुला गए थे इन्हें क्या मालूम था इनमें से एक बच्चा हमेशा के लिए ही सो जाएगा और दूसरी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही होगी। पुलिस के संज्ञान में मामला आते ही उन्होंने छानबीन शुरू कर दी और अपनी पूछताछ शुरू कर दी। 4 साल के बच्चे से जब इस बारे में पूछा गया परिवार को तो इस बारे में जरा सी भी भनक नहीं थी। अगर उन्हें जरा सा भी इस बात का अंदाजा होता तो शायद ऐसी वारदात को अंजाम देने से बचा लिया होता। घर पे छोड़ा, हमारी भाभी यहाँ पे किराए पे रहती थी। अच्छा। वही यहाँ पे लेके आया, उसी ने किराया, वो किराए पे मकान दिलवाया। खुद भी रहता था और वो भी रहता था, 2 कमरे थे उसमें। हम रात को क्या हुआ ये हमें नहीं पता क्योंकि हम अपने घर पे थे। मैं तो जब भाई ने बताया जाओ मैं यहाँ पे आया।
इधर हमारे धनतेरस वाले दिन। अच्छा, वहीं लगे हुए थे। आप लोग वहाँ पे गए हुए थे? हम लोग वहाँ पे गए हुए थे, वहाँ से फिर सीधे अपने घर पे निकल गए। बच्चों को यहाँ छोड़ा हुआ था? नहीं छोड़ा नहीं था, वो यहाँ पे आ जाता था सोने के लिए, उसे पैसे ये भगा देता था बच्चे के लिए, लेकिन वो यहीं पे रुकता था। तो क्या अब जब आप लोग आए हैं, कैसे जानकारी मिली आपको, क्या मालूम पड़ा? नहीं, मेरे तो भाई ने मुझे फोन पे बताया, जब मैं भागी भागी आई मुझे ये बता देंगे। हमें तो ये उम्मीद भी नहीं थी कैसा हो जाएगा ये सब। वही मैडम हुआ क्या है एक्चुअली, जो तो कुछ भी नहीं पता। रात को वहाँ पे बच्चा रह रहा था तो रात को इसके साथ आ गया था वहाँ पे, ठीक है। तो इसने सुबह जाके हमको बताया कि ऐसे बात हो गई है। तो कैसी कैसी बात हो गई? हमारे पापा गुजर गए थे, हम उसमें लगे हुए थे, तो हम सारे वहीं पे थे, ठीक है। तो क्या देखा कि आपने, कैसी स्थिति थी घर? हमने यहाँ पे कुछ दिन खाली मरा हुआ देखा है। और बच्चे को भी चोट है क्या लगता है? बच्चे खत्म हो गया। नहीं, लड़की को भी चोट है? अंदर हमको दिखाया ही नहीं है अभी कुछ भी। अभी भैया हम तो उधर रहते थे, यहाँ पर हमारे साथ रहता था। क्या हुआ था? अकेला था घर पे? नहीं, कुछ बीमार नहीं था, कोई बीमार भी नहीं था, सही था। भैया आपके भाई को क्या हुआ, बड़े वाले? कैसे, किसने मारा? मारा, मारपीट किसने की? देखे थे कोई आपने? कितने लड़के थे, कौन थे? कौन था, फिर से बोलियो। राहुल, राजू भैया। बच्ची फिलहाल अस्पताल में बेहोशी की हालत में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। किराए का मकान लेकर इस गरीब परिवार के बगल में रहने वाला राजू अब भी फरार है। पुलिस इस मामले की कड़ी से कड़ी छानबीन कर आरोपी को पकड़ने में जुटी हुई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये आशंका जताई जा रही है कि जब राजू ने बच्ची से रेप की कोशिश की होगी तो 10 साल के बच्चे ने बहन को बचाने की कोशिश की होगी और इसी कारण दरिंदे ने बच्चे की हत्या कर दी। इसके साथ ही जांच में ये भी सामने आया है कि राजू की प्रेमिका अक्सर उससे मिलने आया करती थी, तो शायद उसे राजू का पता मालूम हो और इसीलिए उसे हिरासत में ले लिया गया है। राजू कुछ दिन पहले ही किराए पर आया था और पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं की गई थी। मृतक बच्चे का शव बाबू जगजीवन राम अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और बच्ची भी इसी अस्पताल में भर्ती है। सारी बातों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। ये हमारे समाज के लिए वाकई शर्म वाली बात है। इस गरीब परिवार की आखिर क्या गलती थी जो इन्हें ये दिन देखने को मिला? ऐसे ही दरिंदे समाज को गंदा कर देते हैं। अगर वक्त रहते इसको जड़ से ना निकाला गया तो ये एक घिनौना रूप ले सकते हैं। सनसनी ऑफ इंडिया के लिए अनिल अत्री की रिपोर्ट। We'll be right back.
नई दिल्ली के कृष्णा इलाके के एफ ब्लॉक में एक घर का दरवाजा तोड़कर चोरों ने करीब 5 लाख कैश और 15 लाख की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। भाई दूज का त्योहार मनाने के लिए ये लोग रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे। घर में सिर्फ एक लड़का था। उसका कहना है कि जैसे ही वो घर से बाहर करीब शाम 6 बजे निकलता है, उसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। इनका शक है कि इन पर पहले से ही निगाह रखी जा रही थी। रिटायर अधिकारी का कहना है कि रिटायर होने के बाद जो पैसे घर में थे और ज्वेलरी थी, वो सब वो चोर लेकर फरार हो गया। गए हुए थे तो एक घंटे का टाइम ही डिफरेंस मिला है कि एक घंटे में ही सारा कांड हो गया। मैं अभी रिटायर हुआ तो रिटायरमेंट का जो भी पैसा वगैरह था और रिटायरमेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो भी इस टाइम मिसिंग है, नहीं मिल रहे हैं नहीं। वो कैश पड़ा था, गोल्ड पड़ा था इनके मतलब जितना शादी ब्याह में जो भी स्टोरेज थे पिके से मिला जो भी सारा मतलब अब तक का जो जुड़ा हुआ है सारे का सारा ही गैप है नहीं। डिफेंस में आपने काम किया है, पूरी जिंदगी मेहनत से काम किया है और चोर एक झटके में लेके चला भाई, एंड में आके जो है एकदम बिल्कुल बहुत बड़ा झटका लगा है। इसमें इस टाइम बर्बाद हो चुके हैं, मतलब बिल्कुल पैनी लेस हो चुके हैं। क्या आप अब क्या डिमांड कर रहे हैं यहाँ के प्रशासन से? क्या मैं अफसरान से यही कहूँगा, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा जो है ये भरपाई कराई जाए, बंदे को ढूंढा जाए किन्होंने ये कांड किया है और उनको उचित कार्रवाई करके हमारे पैसे और जो सोना चांदी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वापस प्लीज बरामद कराए जाएं। तो आस पड़ोस से पता लगा कोई हरकत, ऐसे नॉन बंदा कोई दिखा आपको? हाँ, हमारे सामने हैं 3-4 हैं, सब्जी वाले हैं, डेयरी वाले हैं और एक और इधर भी हैं गली के सामने, वो देख रहे थे छत के दो संदेह इस पर लड़के खड़े हुए हैं, वो आपस में मोबाइल पे ना बातें करते आ रहे हैं और ध्यान उनका इधर ही था और एक लड़का तो नलके पे पाँव धोने गए, वो भी पाँव धो लो भाई पाँव धो लिए नाक को छिड़कना और वो बड़ी हरकतें उनकी संदिग्ध थी। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी हरकत नहीं आऊँ कर मैं पहचान भी लूँगा। तो ऐसी गैंग है जो पिछली गली में से और इधर से वाच कर रहे थे कि भाई कोई हाथ हो नहीं रहा और दो बंदे अंदर ही आते दूजा तोड़ के शायद घुसे या कैसे भी घुसे हैं वो तोड़ के अंदर दो बंदे लगे थे और उनको प्रॉपर वाच कर रहे थे, उनको रिपोर्ट दे रहे थे हाँ भाई कोई आ रहा है नहीं आ रहा और आप अपना काम में लगे रहो। तो बड़ा प्लानिंग करके मतलब ये काम हुआ है। और तो कुछ बताया उन्होंने कि किस उम्र के लड़के थे? हाँ, वो कहते बिल्कुल यंग चैप्स हैं, वो 24-25 साल की रेंज में है। एक ने तो पीली शर्ट डाल रखी है और एक बंदे ने कुछ काली पीली सी ना शर्ट डाली हुई है, जीन्स भी डाल रखी है और थोड़ा लंगड़ा के चल रहा है वो जी। तो ये दो बंदे तो उन्होंने कन्फर्म करे कि हाँ भाई हम उनको पहचान लेंगे, हम जानते हुए हैं। वहीं पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में दो संदिग्ध दिखाई दिए। जो वहां खड़ा होकर उस घर की ओर और वहां से आ रहे लोगों पर निगाह रख रहा था और वहां मौजूद लोगों को उस पर शक भी हुआ, लेकिन लोगों को उधर आते देख थोड़ी देर में आगे बढ़ गया और कैमरे में देखने पर पता चला कि वो फिर से वापस घर की रेकी कर रहा था। और 7 बजे तक तो मेरा बेटा घर पे रहा, हम तो सुबह चले गए थे, दोपहर को ये घर पे आया, 7:15 बजे तक घर पे रहा। उसके बाद गया ये 7:15 से लेकर समझो 8 बजे तक या 8:15 बजे तक, बस 8:30 बजे हम अंदर घुसे होंगे, 8:15 या ऐसे ही होगा, 8:30-8:30 के बीच तक। आप लोग आए थे कितने बजे यहाँ से घर से निकले थे आप लोग? सुबह तो हम चले गए थे कोई
मैं तो पहले गई थी, ये लोग बाद में गए। क्या सब लिया है यहाँ से? क्या क्या लेके गए हैं वो यहाँ से? और यहाँ से कैश ले गया, ज्वेलरी ले गया मेरी, और कीमती पेपर है जो के इनके है। कितने कैश ले गए? कैश होगा 3-4 तो हो गई। तो कितनी देर में आप नहीं थे घर पे, कितनी देर में ये पूरी घटना? सारे पूरा दिन नहीं थे घर में, मेरा बेटा था सिर्फ घर। अच्छा। ये रहा 7:15 बजे तक शाम को। अच्छा। उसके बाद गया और 8:15 बजे हम सब घर पे आ गए। आके देखा तो ये दरवाजे ताले लगे हुए हैं, और ये लकड़ वाला दरवाजा है, इसकी फट्टी टूटी पड़ी, ईंटे पड़ी हुई थी दो, ईंट से तोड़ा है जैसे किया पता नहीं। अंदर आके मैंने देखा तो फिर मेरी होश उड़ गए, सारे घर के सारे सामान बिखरे पड़े थे। कितने कितने का सामान ले गए होंगे लगभग? मेरे 3 सेट तो ऐसे ही थे गोल्ड के, पूरे पूरे। अच्छा। बाकी थोड़ी छोटी बालियां थी कान की, और एक छोटी बाली थी, दो अंगूठियां थी। और कैश कितना था? कैश भी काफी सारा था। एक्चुअली मैं आज जैसे टिका था भैया, तो सब तो पापा मम्मी गए हुए थे घर पे, रोल रखी है। हाँ। और मैं इनको वापस मैं पिक करने गया हूँ, और मैं शाम को 7:15 बजे घर से निकला हूँ। मैं घर पे ही था सारा दिन, तो मैं शाम को 7:15 बजे इनको लेने के लिए निकला हूँ मैं, और करीब हम लोग 8 बजे से 8:10 के बीच में वापस आए हैं। वापस आए हैं तो देखा कि यहाँ पर लॉक तो लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही हमने लॉक खोल के अंदर आए तो ये अलमारियाँ खुली हुई हैं, बेड सारा खुला हुआ है, मतलब चोरी हो गया, सब सामान बिखरा हुआ है, लॉकर टूटा हुआ है, कुछ भी नहीं था इसमें। हमारा सारा गोल्ड करीब 3 से 4 सेट हमारे गोल्ड के थे इसमें, वो नहीं है इसमें। कैश था करीब 3 लाख के आसपास, 2.5-3 के आसपास, वो नहीं है। और भी कुछ छोटे मोटी ज्वेलरीज थी जो भी, अभी कुछ भी नहीं है इसमें। डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, स्कूल सर्टिफिकेट्स हैं, कॉलेज के सर्टिफिकेट्स हैं, दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अभी नहीं मिल रहे हैं इसमें। काफी और चेक बुक्स थी, बैंक पेपर है सारे, जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, बैंकिंग के डॉक्यूमेंट्स है, वो नहीं है इसमें। शेयर नहीं है हमारे, शेयर पेपर फॉर्म में शेयर से, वो नहीं है अभी इसमें, ये सब चीजें लॉस हो चुकी हैं। एक पॉश एरिया में दिन दहाड़े ये सब घटना अंजाम दिया जाता है, कितना शर्म की बात है, कितने दुख की बात है। बिल्कुल आधे पौने घंटे में ये सब हुआ है, और मैं दोपहर तक मैं घर पे था, कुछ भी ऐसा कुछ बाहर भी मैं गया, आना जाना भी हुआ मेरा 2-3 बार, ऐसा लगा नहीं मेरे को। लेकिन एक घंटे के लिए, आधे पौने घंटे के लिए मैं निकला हूँ यहाँ से इनको वापस लेने के लिए, तो आके देखा तो ये सब चीजें हुई हुई हैं, और काफी शॉकिंग सा है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं इसको। याद नहीं आ रही है। कृष्णा नगर तो सुरक्षित एरिया माना जाता है, तो किस तरह से देखते हैं इस पूरी घटना को? अब इसको देख के तो नहीं लगता है ये सुरक्षित है। और मेरी यहाँ के ACP से और DCP सर से रिक्वेस्ट है कि जो हमारी, मतलब ये मेरे एक्चुअली फादर की कमाई हुई कमाई है, काफी हार्ड वर्किंग रहा उनका, रिटायर्ड हुए हैं, तो जो कुछ थोड़ा बहुत मिला है, और हमारे एक प्रॉपर्टी बन रहा था जो कि हम लोगों ने कहीं से थोड़ा बहुत लोन वगैरह लिया कैश रिलेटिव से, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से फादर रिटायर्ड है, थोड़ा उनको मिला, तो कुछ वो कैश पड़ा हुआ था, थोड़ी उनकी जो पूंजी थी कमाई हुई, वो सब आज निकल चुकी है यहाँ से। और मेरी रिक्वेस्ट है ACP सर से और DCP सर से कि जितना जल्दी पॉसिबल हो सके इसको सॉर्ट आउट करें, और हमारा सामान हमें कुछ वापस दिलवा दें। कुमार दिवाकर अब आपसे लेता हूं विदा, कल मैं फिर मिलूंगा इसी चैनल पर इसी समय कुछ नई खबरों के साथ। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके आसपास हो रही है कोई वारदात या आपको है किसी घटना की जानकारी, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9650854621 या हमारी हेल्पलाइन नंबर 9213130221 पर हमें जानकारी दे सकते हैं।